हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इनकम के बारे में। जितनी भी आज हम इनकम कर रहे हैं, उससे हम एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कब हमें कोशिश करनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इसके साथ ही शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल ज्यादा रिवाज चल रहा है शेयर बाजार का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 30-35 साल पहले शेयर बाजार बहुत पॉपुलर हुआ था और बहुत से आदमी उसमें लूट भी गए थे। ये उसको शेयर बाजार कहते हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूं जुआ। मतलब जुआ खेलने का एक लीगल तरीका, जो कि सरकार ने जिसको अथॉराइज किया है, जिसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है। पहले आज से 30-35 साल पहले बहुत बाजार हाइप हुआ था, बहुत क्रेज चला था इसका। मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम इसका शेयर बाजार का, लेकिन उसमें बहुत से आदमी लूट गए। सारे देश में देखे तो मारा एवरेज निकाले तो करोड़ों आदमी उसमें बिल्कुल हरस पे आ गए उसमें शेयर बाजार में। फिर एक संजय दत्त की फिल्म भी आई थी, उसमें गाना था लुट गए शेयर बाजार में, आजा बज गया तकदीर का बाजा, गम ना कर राजा। तो उससे क्या हुआ, ज्यादातर लोगों को तो वैसे ही पता लग गया जो लुट गए, उनके यार प्यारे रिश्तेदारों को पता लग गया कि कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, जुए का ही एक अलग रूप है। और वो फिल्म आने के बाद वो बिल्कुल उसका सत्यानाश हो गया। फिर शेयर बाजार वालों ने क्या किया, इन्होंने इसको नया नाम दे दिया। भाई शेयर बाजार के नाम से तो अब लोग आ नहीं रहे, डर गए हैं, उन्होंने इसको नाम दे दिया म्यूचुअल फंड। फिर इसका नया नाम आ गया यूलिप। उससे भी आज एक नया नाम आ गया सिप, SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन ये सारे उसी जुए का ही नाट्य रूपांतर है, ये सारे शेयर बाजार की ही ब्रांचे हैं, शेयर बाजार के ही अलग अलग नाम उसके, शेयर बाजार में पैसा लगाने के। अब शेयर बाजार में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, दूसरी अर्निंग करने के बारे में हमें कब सोचना चाहिए। सबसे पहले जैसे मेरी सपोज इनकम आज 70,000 पे है और 70,000 में मेरा पूरा काम चल रहा है। ये लोग जो शेयर बाजार से रिलेटेड हैं, जो इस टाइप का काम करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइजर बोलते हैं आप अपने आप को, वो ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जो 30 से 50 के बीच में या लाख के बीच में, वो उन्हीं को ही अप्रोच करते हैं। इनको पता है जो 10-15 हजार रुपए कमा रहा है, उससे बात करने का शेयर बाजार के या किसी भी बारे में कोई फायदा नहीं है। जो 30-40-50-70 हजार रुपए कमा रहा है, वो उसी हिसाब से अपने स्टेटस मेंटेन उसने किया हुआ है, और उससे बात करने का फायदा है, वो कुछ पैसा बचत करके हमारे इसमें इस प्लान में लगा सकता है, वो उसको अप्रोच करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें शेयर बाजार में हमारी इनकम 70,000 रुपए है, कुछ उसमें 7,000 रुपए 10,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें उसमें अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जैसे सपोज मेरी जॉब है या मेरा कोई बिजनेस है, उससे मैं 70,000 रुपए एवरेज मेरे को मिल रहे हैं, मंथली मेरी अर्निंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले 7×42 4,20,000 रुपए मुझे उसमें से बचत करके इकट्ठे करने चाहिए अगले 6 महीने का खर्चा, क्योंकि अभी 70,000 रुपए में मेरा पूरा काम चला हुआ है, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचते। भगवान ना करे कोई बिजनेस मेरा डाउन हो गया, टप हो गया, जैसे कोरोना में लगभग तकरीबन सारे बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं और बहुत से आदमियों की जॉब भी जा चुकी है। भगवान ना करे ऐसा कभी टाइम दोबारा आ जाए या अभी आया है, अगर मेरे पास 6 महीने का टाइम का पैसा खर्चे का होगा, तो मेरा लाइफस्टाइल अगले 6 महीने भी यही चल सकता है। तो ये तो है थंब रूल सारी दुनिया का, भाई 6 महीने के अगर मेरे पास पैसे हैं तो एक किस्म की मेरी जॉब जो है वो सिक्योर होगी। भाई चली भी गई तो कोई बात नहीं, अगले 6 महीने में तो मेरे अंदर कुछ टैलेंट तो है, व्यापार कर रहा हूं तो मेरा चल जाएगा, वो मैं जॉब कर रहा हूं ये कंपनी निकाल दिया दूसरी कंपनी, कोई ना कोई 6 महीने का टाइम लंबो तो उसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई कंपनी मुझे लगा लेगी। अब सवाल यह है कि 6 महीने के बाद क्या मुझे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। मेरी सलाह यह है कि आपको जितनी भी आपकी आज इनकम है उसको 24 से गुणा करना चाहिए, यानी कि 2 साल के पैसे आपके पास होने चाहिए। 6 महीने के पैसे 4,20,000 रुपए हो गए और 8×40 और आपके हो गए 16,80,000 रुपए। अगर आपका खर्चा हो गया 70,000 रुपए आज आपकी इनकम है, तो आपके पास कम से कम 16,80,000 रुपए होने चाहिए, तो आपकी जो है
फैमिली सिक्योर हो जाएगी। दो साल भी अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत अड़चन परेशानी आई तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपकी फैमिली सिक्योर है। अब दो साल भी चले गए, अब क्या आपको उसमें लगाना चाहिए? अब आपको उसमें किसी भी चीज में, चाहे आपको पैसा एक्स्ट्रा के पैसे जो है कहीं भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अब आपकी पहले तो 6 महीने के पैसे से जॉब सिक्योर होगी, दूसरे 2 साल के पैसे से आपकी फैमिली सिक्योर होगी। अब इनकी शेयर बाजार वालों के बारे में बात करता हूं, शेयर बाजार काम कैसे कर रहा है। ये सेबी से परमिशन लेके और काम करते हैं। ज्यादातर कंपनियों में होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि कोई कंपनी आई, उसने अपने शेयर बाजार लॉन्च कर दिए, भाई ये तो 100 रुपए का है भाई, खरीद लो उसको। उसने अब उसमें क्या इन्वेस्टमेंट किया, उसने तो अपने शेयर बाजार में डाल दिए, भाई ये मेरी कंपनी है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी एक गांव में आया, कंपनी ने उसको किसी गांव में बेचा, अब भेज दिया, उसने क्या कहा, भाई मेरे को है ना चूहे चाहिए। अब चूहे तो यूजलेस हैं, हमारे यहां तो चूहे का ना मीट बनता ना उसको कोई खाता, चूहे किसी के हर घर में चूहे हैं, वो उसको पिंजरा लगा के पकड़ के बाहर छोड़ जाते हैं, या मोहल्ले पड़ोस गलियों में खेतों में बहुत घूमते रहते हैं, उनको स्प्रे दवाई से उनको मारते हैं। उस आदमी ने आके क्या बोला, मोहल्ले में पंचायत करके छपाड़ में हो लोगों से, मौजूद आदमियों से मिलकर, सरपंच से मिलकर के, भाई साहब मुझे चूहे चाहिए, चूहे है ना मैं दुबई में सप्लाई करता हूँ, वहां पे जो बड़े बड़े शेख हैं आपने देखो वो बहुत अमीर है, वर्ल्ड में अमीर लोगों में उनका नाम आता है, उन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं लाखों की संख्या में, उनको बिल्लियों को खाने के लिए सबसे उनका स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो है चूहा, तो उनके लिए मुझे चूहे चाहिए, मैं वहां पे सप्लाई करता हूँ। अब उसने क्या किया, ठीक है भाई कितने का लोगे भाई साहब, कोई कीमत तो होगी ना उसकी। उन्होंने कहा भाई मैं तो 100 रुपए का एक चूहा ले लूंगा, और जिस जो भी मेरे को ये कहता हो कि भाई मैं 5 चूहे दे दूंगा, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा, 500-500 रुपए मेरे से एडवांस ले लो, जितने भी आदमियों ने आपके गांव के चाहिए। अब सपोज 500 आदमियों ने उससे 500-500 रुपए एडवांस ले लिए, अब उसने क्या कहा भाई जो 5 चूहे पकड़ लिए तो भाई साहब 500 रुपए आपके, अगर आपने 3 पकड़े तो आप मेरे को 2-3 चूहे दे देना, 200 रुपए मेरे वापसी कर देना, आपने 10 पकड़ लिया तो मैं 500 रुपए आपको और दे दूंगा और आपसे चूहे मैं खरीद लूंगा। अब वो चला गया, अब क्या सबकी जेब में 500-500 आ गए, सब ने चूहेदानी ले आए अपनी सारी ढूंढ के और वो अपने घरों में लगा दी, किसी का 2 चूहे पकड़े गए, किसी का 3, सारे गांव ने नहीं भी पता लगा तो अड़ोसी पड़ोसियों को भी चूहे पकड़ लिया, भाई वो बंदा आएगा और वो मेरे चूहे खरीद लेगा। वो आदमी 1 हफ्ते के बाद जो उसने टाइम दिया था पूरे टाइम से वो आया, लगभग सभी आदमी 5 चूहे तो पकड़ ही चुके थे, 5 से भी ज्यादा भी पकड़ लिए थे, किसी ने 7, किसी ने 15, किसी ने 12, चलो जो भी था। उस आदमी ने उनकी सारों की फाइनल पेमेंट करी और बोला कि ठीक है भाई साहब आप मेरे को चूहे दे, तो वो सारे ले लिए एक गाड़ी में लोड करे और अपना उनको पेमेंट कर दी। अब उसने बोला भाई अब तो मैंने चूहे खरीद लिए, लेकिन अब डिमांड हो रही है बहुत ज्यादा, अब आपके गांव में भी चूहे कम हो गए, अब मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा, अब मैं आपसे 300 रुपए पर चूहा खरीद लूंगा, ये तो मैंने 100 रुपए के हिसाब से खरीद लिए, अब उसको कोई एडवांस उनको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी, एडवांस मनी यानी साइज उसको नहीं देनी पड़ी उन आदमी, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि भाई ये तो आएगा ये तो ले गई मेरे से चूहे। तो अब वो फिर चला गया, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा भाई साहब, अब वो फिर गांव सारे गांव में रुका मच गया, आग की तरह फैल गई बात, भाई चूहे तो जो है 300 रुपए का एक बिक रहा है उस गांव में, तो पहली पहली अड़ोस पड़ोस के अंडगुआंड के गांवों में भी सारों में वो बात फैल गई कि भाई ऐसे करके 300 रुपए का एक चूहा बिक रहा है, तो अड़ोस पड़ोस के जो गांव थे वहां से भी लोगों ने चूहे पकड़ने शुरू कर दिए, अपने यार प्यारे रिश्तेदारों से भी कहना शुरू कर दिया कि चूहे पकड़ो भाई, 1 हफ्ते बाद 300 रुपए पर चूहे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। वो आदमी फिर अपनी टीम को लेके आया, अब की बार 5-10 आदमी लेके आया, क्योंकि उसको पता था चूहे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। उसने क्या करा, वो अपनी टीम लेके आया और उसने उसको चूहो को जो रेट उसने बोला था 300 रुपए चूहे के हिसाब से खरीद लिए। अब उसने क्या किया, अब जब सारे चूहे उसने खरीद लिए, शाम होगी, उसने बोला अब दोबारा उन्हें माइक लिया और मुनादी कर दी, भाई अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, अब मैं 500 रुपए में भी एग्री हूं, अगर कोई आदमी मुझे 500 रुपए में एक चूहा देगा मैं जितने चूहे उसके बाद होंगे सारे खरीद लूंगा। फिर वो 1 हफ्ते का टाइम लेकर फिर चला गया, अब जब वो 1 हफ्ते बाद आया तो चूहे बहुत कम हो गए और सारे चूहे तो यार पकड़ ही लिए यार, कहां था, लोगों ने खेतों में भी जाल लगा दिए, कुएं के कूप में भी लगा दिए, तूड़े के कूप में भी लगा दिए, भूसाले कोठे में भी लगा दिए, डांगरों के में भी लगा दिए,
जाड़ों की बिक्री ज्यादा शुरू होगी, चूहादानी की उसकी बहुत ज्यादा सेल होगी और वो बिकने शुरू हो गए। वो एक हफ्ते बाद आया तो उसको बहुत कम चूहे मिले, क्योंकि मिलने ही कम थे, वो रहे नहीं उस एरिए में, दूर दूर तक लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक जा जाकर खरीद कर ले आए, जिसको पता लगा कोई बात नहीं पकड़ कर ले आए, कहीं से कैश में तो मिल नहीं रहे थे, कहीं भी इसका रिवाज तो था नहीं, ना ही वो कोई पैसे वाली चीज थी, ना ये बिकती थी कहीं हमारे देश में, मैंने सुना नहीं कि बिकती है। उस आदमी ने क्या किया, 500 रुपए के हिसाब से थोड़े बहुत जो चूहे थे 500-400-200 जितने भी थे 500 के हिसाब से खरीद लिए और वो रख लिए। उसके बाद फिर माइक लिया और बोला, भाई साहब बहुत ज्यादा डिमांड है, हम सारे देश से इकट्ठे कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे और डिमांड पीछे से बहुत हो रही है, अब हम 1000 रुपए में भी एक चूहा लेने के लिए तैयार है, अब मैं एक हफ्ते के बाद आऊंगा भाई साहब आपके पास और आप चूहे पकड़ के रखना और मुझे बेच देना, मैं खरीद लूंगा आपका 1000 रुपए के हिसाब से। अब फिर पब्लिक फिर भागी, क्योंकि यहां भेड़ चाल है, यहां अपना दिमाग लोग कम यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे, चल भाई ये भी ले रहा मैं भी लूं, ये भी ले रहा इसका फायदा होगा मैं भी करूं, तो लोग अफरा था। अब उसने क्या करा, उस कंपनी वाले ने लवे दौरे के गांवों में सारों अपने एजेंट सेट कर दिए और सबको एजेंटों को क्या किया, भाई तुम 300 रुपए एक के हिसाब से चूहा बेचना शुरू कर दो। अब उन्होंने क्या करा, 300 रुपए एक के हिसाब से चूहे बेचने स्टार्ट कर दिए और वो सारे देश से उन्होंने कलेक्ट कर रखे थे, वहां उन्होंने रेट उसे किए में बढ़ाया नहीं था, सपोज उसने हरियाणा में बढ़ा दिया, हरियाणा के लवे दौरे गांवों में, पंजाब में नहीं बढ़ाया, महाराष्ट्र में नहीं बढ़ाया, वहां से भी चूहे पकड़ लाया। अब वो जो सारे चूहे उसके पास तो स्टोर थे, उसके बाद तो लाखों चूहे थे, उसने क्या करा 300 रुपए पर हेड के चूहे के हिसाब से पब्लिक को बेच दिए। अब जिस पे ग्रामीण आदमी पे, मध्यम वर्गीय पे, अमीर पे, किसी पे 30,000 रुपए थे, किसी पे 50,000 रुपए थे, किसी पे 10,000 रुपए थे, किसी पे 5,00,000 रुपए थे, उसने क्या करा उन सारे पैसों को चूहे ही खरीद लिए 300 रुपए के हिसाब से। बस 300 रुपए के हिसाब से मिलने गए यारे तो 1000 रुपए में भी की जाएंगे, 7 दिन बाद तो वो बंदा आना ही आना है। अब वो 7 दिन आ गए, अब जब 7 दिन आ गए वो आदमी सारे अपने चूहे बेच चुका था, वो 7 दिन वो कभी नहीं आए, ना वो आदमी आया, ना उसका मोबाइल नंबर आया, ना कुछ आया, ना ही वो चूहे बिकते थे, ना ही वो बिके। अब क्या हुआ, वो लोग आज भी उस चूहे खरीदने वाले की बात देख रहे हैं, जिसके 30,000 लग रहे हैं वो तो 30,000 रुपए को रो रहे अपने चूहे देख के, और जिसके 1,00,000 रुपए लग रहे हैं वो 1,00,000 को, जिसके 10,000 रुपए वो 10,000 रुपए को रो रहा है, वो अपने 3 गुना पैसे कर रहे थे, वो तो कितने भी गुना नहीं रहे, उन्हें तो भाई जो 100 रुपए का चूहा खरीदा था वो भी 300 में बेच दिया, 300 वाले भी 300 में बेच दिया, 500 वाले भी 300 में बेच दिया, और जो और कहीं तो ले आया था वे भी सारे बेच गया और लोगों का फुद्दू बना दिया। ऐसे ही यही स्कीम शेयर बाजार की है, एक बार निकाल दिया उसको हाइप कर दिया, भेड़ चाल है सारे उसके पीछे लगे, खरीद ले शेयर, और बाद में वो व्यापारी अपना प्रॉफिट करके, जिसने वो शेयर को उसको निकाला था अपना, कंपनियां बड़ी बड़ी, वो पैसा लेके अपनी जेब में डाके वो चली गई। अब लोग क्या कहते हैं, शेयर तो सो गए भाई, ये तो सो गए भाई, इनका नहीं पता कद उठेंगे, तो हरिद्वार चला जाओगे जी उठेंगे, पता नहीं उठेंगे कि ना उठेंगे, ये तो तेरे शेर ये धरे हैं, ये तो मुझसे बेच के उधर को शेर नहीं दे के गया, वो तो काम कर गया भाई। तो ये चीज है जी शेयर बाजार में, इस तरह के हमें एक्स्ट्रा अर्निंग कब करनी चाहिए, जब हमारी फैमिली सिक्योर हो। ऐसे एक आदमी मेरे पास कई साल पहले आया था, मेरा थोड़ा पड़ोस में मेरे बच्चे पढ़ते थे, थोड़ा मेरी उसके साथ यारी दोस्ती हुई, वो शेयर बाजार का ही काम करता है, भाई साहब आपका एक अकाउंट खोलना, मैंने कहा भाई मेरा तो पहले अकाउंट खोला पड़ा, सेविंग भी और मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा करंट अकाउंट है, नहीं एक डीमेट अकाउंट खोलना, मैंने डीमेट नाम पहली बार सुना आज से 6-7 साल पहले की बात, मैं ये क्या चीज इनका जी शेयर बाजार से रिलेटेड है, सिप से वगैरह वगैरह जो इन्होंने नाम चेंज करके, मैंने कहा भाई देख ऐसा है मैंने तो जुआ खेलना नहीं, ना मेरे बाप दादा ने किसी ने जुआ खेला, ना मैं खेलता, ना मैं अपने बड़कों ने कहता भाई इसमें पैसे दम लगा दो भाई, मेरे दादा को मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा कि आप अपने सारे पैसे इसमें लगा दो, आप अपने 10% पैसे इसमें लगा दो। मैंने कहा भाई साहब लोग मेरे से सलाह मांगने आते हैं प्रॉपर्टी में, कहां लगा दूं और कहां से मेरे पैसे बढ़ेंगे, आप मेरे को ही सलाह दे रहे। कहने लगा भाई साहब प्रॉपर्टी में तो आप सलाह देते हो, जो सलाह आपसे लेगा वो 10-20 लाख रुपए की सलाह दोगे, 5-7-10 की दोगे, भैया 10 लाख लगा दे, 20 लाख लगा दे, 50 लाख लगा दे तो मेरे बढ़ जाएंगे पैसे, तो लेकिन मैं तो आपको 10-20 हजार रुपए में भी सलाह दे रहा हूं। अब आप 10-20 हजार वाली तो सलाह किसी को दे नहीं सकते, 10-20 हजार रुपए की तो प्रॉपर्टी काले पानी में भी नहीं है, अंडोमान निकोबार में जहां अंग्रेज सजा देते थे जब हमारा देश गुलाम था, तो वहां भी नहीं है भाई साहब। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर इसका मतलब मैं भाई साहब फिर तो इसका मतलब जिन पे दस
दस बीस लाख है वो तो चलो उन्हें सलाह ली मानी ना मानी, इसका मतलब जिन पे 20-30 हजार रुपए उनके पास भी नहीं छोड़ने, जो बेचारे 54-54 इकट्ठे करके जिन पे कट्ठे ही 30 हजार रुपए हुए या 20 हो रहे उनके भी नहीं छोड़ने, उनको ये सलाह दे देनी है 20 में लगा दे। मैंने कहा भाई ऐसा है जड़ वाले मैं तो करता नहीं हूं काम, आप जाना डीमेट अकाउंट कितने का खुले गए हो, क्या लगा जी 500 रुपए खुले, उस टाइम 500 रुपए लगा दे, अब पता नहीं मेरे को कितने लगते हैं, ना मैंने उस टाइम खुलवाया ना आज, ना मैं कभी खुलवाऊंगा इसने, ना मैंने खेल लाया। तो मैंने उसको गया उस टाइम 1000 रुपए के नोट चले थे, मैंने जेब मार मार को उसके 1000 रुपए दे दिए, मैंने कहा भाई 1000 रुपए ले ले, या तो इसको इसी सट्टे में लगा ले, मैं तो इसको जुआ सट्टा कह रहा हूँ शेयर बाजार को, या तो भाई तू अपने नाम से लगा ले, जीत जाएगा तो अपने पास रख लिया, हार जाएगा तो मेरे खत्म हो जाएंगे यार, अरे नहीं तो भाई डीमैट अकाउंट ही खोलना जरूरी है, तेरा पीछे से टारगेट है तो भैया 1000 रुपए ले ले, किसी और दो आदमी हो खोल दे, मेरे को तो भैया तुम मेरे गले में ढोल अगर पा देगा तो बजाना तो पड़े हो, मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया 500 रुपए मेरे लग गए, किसी दिन तो मेरा दिमाग खराब होएगा ना, इसीलिए तो आप मेरे से 500 रुपए ले रहे हो, मुझे ये नहीं काम करना भाई साहब। वो फिर चला गया, उसने मेरे से 1000 रुपए भी नहीं लिए और ना ही मेरा डीमैट अकाउंट आज तक खोला। तो फाइनली ये है कि जो आदमी हमें बोल रहा है कि एक्स्ट्रा अर्निंग कर लो आप, इस तरीके से कर लो, भैया वो हमारा फायदा नहीं करवाना चाहता, वो हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग हमारे पैसे को नहीं बढ़ाना चाहता, वो तो अपना फायदा करना चाहता है, वो तो अपना फायदा, उसकी तो कमीशन है। तो भैया अगर हमें करना भी है तो हमें कम से कम अपनी लाइफ को सिक्योर करके, अपनी फैमिली को सिक्योर करके, उसके बाद हमें ये कोई भी नेक्स्ट स्टेप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज जो आपकी आज इनकम है 70,000 रुपए है मेरी, वो 70 में से भी कम हो जाएंगे, बढ़ेगी तो कहां, बढ़नी तो का तो मतलब ही नहीं है उसमें। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।